जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में बीएसजी ज्ञान प्रतियोगिता 2024 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, उत्तर प्रदेश राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के द्वारा बीएसजी ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्काउटिंग के विभिन्न विभाग जैसे कब बुलबुल, स्काउट गाइड, रोवर रेंजर्स प्रतिभाग करते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से बीएसजी ज्ञान प्रतियोगिता 2024 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, जो कि संभवतः आपके बीएसजी ज्ञान प्रतियोगिता में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं बीएसजी ज्ञान प्रतियोगिता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की जानकारी। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, किसी एक दल या कंपनी में अधिक से अधिक कितने स्काउट गाइड हो सकते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 40 और ऑप्शन डी 32। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 32 स्काउट गाइड। दूसरा प्रश्न है, पेट्रोल इन काउंसिल टोली सभा का नेतृत्व कौन करता है? ऑप्शन ए स्काउट मास्टर, ऑप्शन बी जिला संगठन आयुक्त, ऑप्शन सी पेट्रोल लीडर और ऑप्शन डी संस्थान के प्रधान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पेट्रोल लीडर टोली नायक। तीसरा प्रश्न है, प्रथम सोपान स्काउट गाइड को द्वितीय सोपान की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने महीने कार्य करने होंगे? ऑप्शन ए 8 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 3 माह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 माह। चौथा प्रश्न है, इसे पूरा करें, मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने डैश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। ऑप्शन ए संगठन, ऑप्शन बी विश्व, ऑप्शन सी देश और ऑप्शन डी राज्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी देश। मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। पांचवा प्रश्न है, स्काउट गाइड आंदोलन मुख्यतः कितने सिद्धांतों पर आधारित है? ऑप्शन ए 9 सिद्धांत, ऑप्शन बी 12 सिद्धांत, ऑप्शन सी 3 सिद्धांत और ऑप्शन डी 6 सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 सिद्धांत। ईश्वर के प्रति कर्तव्य, दूसरों के प्रति कर्तव्य और स्वयं के प्रति कर्तव्य। छठा प्रश्न हमारा है, स्काउट गाइड का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है? ऑप्शन ए सेवा, ऑप्शन बी तैयार, ऑप्शन सी कोशिश करो और ऑप्शन डी सत्यमेव जयते। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तैयार यानी बी प्रिपेयर्ड। सातवां प्रश्न है, स्काउट शोल्डर बैज पर किस रंग से ग्रुप का नाम लिखा होगा? ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी सफेद रंग, ऑप्शन सी पीला रंग और ऑप्शन डी हरा रंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाल रंग यानी रेड कलर का। आठ नंबर का प्रश्न है, किसी डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए किस गांठ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए संधि गांठ, ऑप्शन बी फायरमैन चेयर नोट, ऑप्शन सी ध्रुव गांठ और ऑप्शन डी डॉक्टरी गांठ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ध्रुव गांठ यानी बो लाइन नोट। नवा प्रश्न हमारा है, किसी रस्सी के कितने सिरे होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 1। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2, चुस्त सिरा और सुस्त सिरा। दसवां प्रश्न है, बीपी 6 एक्सरसाइज के अनुसार सीने छाती का व्यायाम कौन सा है? ऑप्शन ए पहला व्यायाम, ऑप्शन बी 6ठा व्यायाम, ऑप्शन सी 2रा व्यायाम और ऑप्शन डी 3रा व्यायाम।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दूसरा व्यायाम। 11 नंबर का प्रश्न है, स्काउट गाइड का ध्वज शिष्टाचार किस आकार में खड़े होकर किया जाता है? ऑप्शन ए पतंग फॉर्मेशन, ऑप्शन बी एक कतार, ऑप्शन सी वृत्त आकार और ऑप्शन डी हॉर्स शू फॉर्मेशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हॉर्स शू फॉर्मेशन। 12 नंबर का प्रश्न है, विश्व गाइड ध्वज के एम्बलम में बने दो सितारे प्रतीक है? ऑप्शन ए नियम और प्रार्थना, ऑप्शन बी स्काउट और गाइड, ऑप्शन सी सत्य और प्रेम और ऑप्शन डी नियम और प्रतिज्ञा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नियम और प्रतिज्ञा। 13 नंबर का प्रश्न है, भारत स्काउट और गाइड ध्वज में स्काउट गाइड बैज किस रंग का होता है? ऑप्शन ए नीला रंग, ऑप्शन बी सफेद रंग, ऑप्शन सी पीला रंग और ऑप्शन डी हरा रंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पीला रंग यानी येलो कलर का। 14 नंबर का प्रश्न है, भारत स्काउट गाइड झंडा गीत को कितने समय अवधि में गाया जाता है? ऑप्शन ए 45 मिनट, ऑप्शन बी 90 सेकेंड, ऑप्शन सी 45 सेकेंड और ऑप्शन डी 1 मिनट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 45 सेकेंड। 15 नंबर का प्रश्न है, श्री वीर देव वीर कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंजाब। 16 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1947 और ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। 17 नंबर का प्रश्न है, PIC का पूर्ण नाम क्या है यानी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए पब्लिक इंफॉर्मेशन सेंटर, ऑप्शन बी पेट्रोल इन कोर्ट, ऑप्शन सी पेट्रोल इन काउंसिल और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पेट्रोल इन काउंसिल। 18 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी लता मंगेशकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। 19 नंबर का प्रश्न है, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स पट्टी की लंबाई व चौड़ाई क्या होगी? ऑप्शन ए 11 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 11 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 11 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 11 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। 20 नंबर का प्रश्न है, लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडन पावेल की पत्नी कौन थी? ऑप्शन ए एग्नेस बेडन पावेल, ऑप्शन बी हेनरिटा ग्रेस स्मिथ, ऑप्शन सी मिस ओलिव बेडन पावेल और ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिस ओलिव बेडन पावेल। 21 नंबर का प्रश्न है, टोली नायक नायिका की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए स्काउट मास्टर, ऑप्शन बी जिला संगठन आयुक्त, ऑप्शन सी राज्य संगठन आयुक्त और ऑप्शन डी दल नायक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्काउट मास्टर। 22 नंबर का प्रश्न है, एक पेट्रोल टोली में कितने स्काउट गाइड होते हैं? ऑप्शन ए 12 से 24, ऑप्शन बी 12 से 32, ऑप्शन सी 6 से 12 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, एक पेट्रोल में 6 से 8 स्काउट गाइड होते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, सदा डस हो सेवा वो सेवक चर बना देना खाली स्थान भरे। ऑप्शन ए लक्ष्य,
ऑप्शन बी उद्देश्य, ऑप्शन सी ईमान और ऑप्शन डी मातृत्व भाव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ईमान। प्रार्थना का यह अंश है सदा ईमान हो सेवा वो सेवक चर बना देना। 24 नंबर का प्रश्न है वेडन पावेल का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 8 जनवरी, ऑप्शन बी 22 फरवरी, ऑप्शन सी 7 नवंबर और ऑप्शन डी 1 अगस्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 22 फरवरी। 25 नंबर का प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी सूर्यमुखी और ऑप्शन डी गेंदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कमल यानी लोटस। 26 नंबर का प्रश्न है स्काउट गाइड खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन ए विश्वसनीय, ऑप्शन बी अनुशासनशील, ऑप्शन सी विनम्र और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 27 नंबर का प्रश्न है एक स्काउट बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष और ऑप्शन डी 15 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 वर्ष। 28 नंबर का प्रश्न है एपीआरओ भाग 2 में किस सेक्शन की जानकारी दी गई है। ऑप्शन ए स्काउट, ऑप्शन बी रोवर, ऑप्शन सी कब और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। 29 नंबर का प्रश्न है एपीआरओ 3 में किस सेक्शन की जानकारी दी गई है। ऑप्शन ए बुलबुल, ऑप्शन बी गाइड, ऑप्शन सी रेंजर्स और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। 30 नंबर का प्रश्न है स्काउट में पेट्रोल का नाम किस पर रखा जाता है। ऑप्शन ए जानवर, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी महापुरुष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जानवर यानी एनिमल के नाम पर। तो ये थे बीएसजी ज्ञान प्रतियोगिता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर आपको मिलता रहे। तो हमें उम्मीद है आपका जानकारी काफी पसंद आई है। ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।